पाल से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में निर्धारित होगा एजेंडा। भ्रष्टाचार और आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। और मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष ने तैयारियां कर ली हैं। ध्यानाकर्षण सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को दे दी जा चुकी हैं। और श्री महाकाल महालोक में भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ पिछले दिनों हुई घटनाएं, जैसे कि सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और उसके बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक होने जा रही है। दिनेश शुक्ल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले, बैठक में क्या कुछ विशेष हो सकता है? कई सारे मुद्दे हैं जिस पर आज कांग्रेस विधायक पूरी चर्चा कर सकते हैं। ये बिल्कुल 11 तारीख से 15 तारीख तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। INS 24/7 ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से भी बात की थी इस बारे में। उन्होंने कहा था कि इस बार सरकार को पूरी तरह घेरेंगे। भले ही मानसून सत्र 5 दिन का है, बहुत छोटा सत्र है, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर, और खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर, प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होगी। वहीं सतपुड़ा भवन में पिछले दिनों जो आग लगी थी, जिसमें फाइलें जलने की बात कही जा रही है, कई ऐसी फाइलें थी जो भ्रष्टाचार से प्रेरित थी, विपक्ष का आरोप है, उन फाइलों को लेकर और उस आग को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, इन सभी मामलों पर जो विपक्ष है वो घेरते हुए नजर आएगी, जिसकी रणनीति आज विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।